नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के तीसरे क्लास के ऊपर, जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होगा। और हमने इससे पहले दो वीडियोज़ बनाए हैं, जिसमें कि हमने पहले क्लास में सेफ्टी के ऊपर डिस्कस किया है, पहले चैप्टर के ऊपर, और दूसरे क्लास में हमने इलेक्ट्रिक टूल्स के ऊपर डिस्कस किया है। और ये मेरा तीसरा क्लास है जिसमें कि आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टरों के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा गया है रेजिस्टेंस की इकाई होती है। ये पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। तो आप लोग बचपन से सुनते होंगे ओम, तो रेजिस्टेंस की इकाई जो होती है ओम होती है। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। ओम मीटर भी नहीं होती है, ना ओह होती है, ना साइमन होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। ठीक है फ्रेंड, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है। ये पूछ रहा है पदार्थ का वह गुण, जैसे पदार्थ जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो उसका वो कौन सा गुण है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने में अच्छा मतलब सुगमता प्रदान करता है, सहायता देता है। तो यहाँ पे चालकता जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने में सुगमता प्रदान करता है। प्रतिरोध तो जानते ही हैं, रोकता है ना, उसको जाने नहीं देता है इलेक्ट्रॉनों को। और अचालक तो पूरा पूरा एकदम रेजिस्टेंस का भरा हुआ एक भंडार होता है। ठीक है, अचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। और विभवांतर तो वोल्टेज ही होता है, तो वोल्टेज तो ऐसे प्रवाहित नहीं होगा। अर्धचालक प्रतिरोध, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो वोल्टेज तो जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जो है कि चालकता जो है ये सुगमता प्रदान करता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ये पूछ रहा है कि किसी तार की, किसी वायर, किसी कंडक्टर की जो है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे देख सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, कि लंबाई पर निर्भर करती है, कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निर्भर करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ये तीनों ऑप्शंस हैं, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन तीनों पर निर्भर करती हैं। क्योंकि पदार्थ की प्रकृति मतलब अगर तांबा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा एल्युमिनियम के मुकाबले, अगर सोना होगा तो उसका प्रतिरोध और कम होगा तांबा के मुकाबले। तो इसलिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और पदार्थ लंबाई पर, अगर कोई वायर हम 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं तब पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर कोई वायर हम 10 मीटर दूर से लाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटाई पर, ठीक है, तो उसका जो मोटाई होता है, जैसे ज्यादा ज्यादा मोटा अगर वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और ज्यादा पतला वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ज्यादा पतला वायर होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, और जब ज्यादा मोटा होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। इसलिए जो ज्यादा मोटा वायर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए उसमें प्रतिरोध कम होता है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। ये पूछ रहा है एम्पियर सेकेंड जो होता है वो किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड जो है कि आवेश की इकाई है, ठीक है, आवेश मतलब चार्ज की इकाई होती है एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये कौन सा है जो कि वाट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड वाट के बराबर ही होता है, और एम्पियर पर वोल्टेज जो होता है वो वाट के बराबर नहीं होता है, और एम्पियर इंटू वोल्टेज जो होता है वाट के बराबर होता है, और एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम जो होता है वो भी वाट के बराबर होता है। परंतु यहाँ पे जो है कि एम्पियर प्रति वोल्टेज जो होता है वाट के बराबर नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चालकता अर्थात कंडक्टेंस, ठीक है, चालकता का मात्रक क्या होता है। ये पूछ रहा है कि चालकता का मात्रक होता है, तो चालकता का मात्रक जो होता है म्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ देख सकते हैं, यहाँ पे म्यू होता है। ओम प्रति मीटर भी नहीं होता है, मीटर प्रति ओम भी नहीं होता, ओम म्यू प्रति मीटर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे म्यू जो होता है, म्यू ये होता है चालकता का मात्रक। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ओम का नियम निम्नलिखित में से लागू नहीं होता है। ये पूछ रहा है कि ओम का नियम जो होता है इन दिए गए ऑप्शनों में से किन ऑप्शन पे, किस जगह पे वो लागू नहीं होता है। तो अर्ध चालकों पे वो लागू नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च धारा पर भी हम लागू कर सकते हैं ओम का नियम, डीसी परिपथ पर तो करते ही करते हैं, और कम धारा पर भी हम कर सकते हैं, परंतु अर्ध चालकों पर हम ओम का नियम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी 100 वाट और 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होता है,
ये पूछ रहा है कि कोई 100 वाट का बल्ब है और 100 वोल्ट पर चल रहा है तो वो उसका प्रतिरोध होगा, तो उसका प्रतिरोध जो होता है 100 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विशिष्ट प्रतिरोध को मापा जाता है। ये बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है, ओम सेंटीमीटर में मापा जाता है, म्यू में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में किसका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। ये पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जो कि ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, उसका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, ठीक है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार जुड़े हो तो किन्हीं भी 2 सिरों के बीच में प्रतिरोध होगा। ये पूछ रहा है 3 ओम के 3 प्रतिरोध अगर त्रिभुजाकार जुड़े हों तो उसके दो किन्हीं 2 सिरों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 ओम होगा। इसको फ्रेंड आप अपने पेन कॉपी से निकाल सकते हैं, हम इस पे तो निकाल नहीं पाएंगे इसलिए हम यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं तो हम आपको निकाल के दिखा देते कि कैसे 2 ओम होगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है। ये पूछ रहा है कि 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे देख सकते हैं, 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा बराबर 36×10^5 जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केवल एक को छोड़कर सभी का ऋणात्मक ताप गुणांक है, वह पदार्थ है। ये पूछ रहा है कि केवल एक को छोड़कर, मतलब इसमें से जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक को छोड़कर सबका ऋणात्मक ताप गुणांक है, और वह कौन सा पदार्थ है। मतलब ये पूछ रहा है कि वो जो पदार्थ है जिसका ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं है वो कौन सा पदार्थ है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे देख सकते हैं, सोना जो होता है उसका ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है। ये पूछ रहा है कि फ्यूज को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे कट गया है, तो हम इसके आंसर बता देते है। फ्यूज को परिपथ में हमेशा फेज के साथ जोड़ा जाता है और उसके सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड, फेज के साथ, फेज के सीरीज में जो है कि फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो फेज में जोड़ा जाता है, उसके सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फ्यूज वायर की क्षमता दर्शाई जाती है। ये पूछ रहा है कि फ्यूज वायर जो होता है, जो उसमें फ्यूज फ्यूज में जो फ्यूज वायर लगा होता है उड़ने के लिए अधिक धारा प्रवाहित होने के बाद, तो उसकी क्षमता किस में दर्शाई जाती है, वाट में दर्शाई जाती है, किलो वाट में दर्शाई जाती है, एम्पियर में दर्शाई जाती है, ओम में दर्शाई जाती है, तो एम्पियर में दर्शाई जाती है। आप कभी भी जाएंगे अगर फ्यूज मांगेंगे तो वो लोग हमेशा पूछेंगे कि कितने एम्पियर का आपको फ्यूज चाहिए, या तो फिर अगर MCV भी मांगेंगे तो ये यही पूछेंगे कि कितने एम्पियर की आपको MCV चाहिए। ठीक है, तो जो MCV भी होता है वो भी एम्पियर पे काम करता है। ठीक है, वो अपने सर्किट में से कितने एम्पियर की धारा को प्रवाहित होने देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो फ्यूज होता है, अपने जो फ्यूज वायर होता है उसके वायर में से कितने एम्पीयर की धारा अधिकतम प्रवाहित हो सकती है वो उसकी क्षमता इसी इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये एम्पीयर जो होता है ये फ्यूज की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक अच्छे चालक, एक अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर में होता है, मतलब एक अच्छे चालक में क्या होता है, तो अच्छे चालक में क्या प्रतिरोध होता है, अच्छे चालक क्या गुड कंडक्टर में प्रतिरोध होता है, उच्च चालकता होती है, तापीय चालकता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे देख सकते हैं, उच्च चालकता जो होती है, मतलब अच्छी चालकता जो होती है वो गुड कंडक्टर में पाया जाता है। ठीक है, और एकदम बैड कंडक्टर जो होता है उसमें प्रतिरोध का मात्रा अधिक होता है। ठीक है, वो बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, और ये तापीय चालकता जो होती है वो भी बैड कंडक्टर में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च चालकता जो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे देख सकते हैं, उच्च चालकता जो होती है वो गुड कंडक्टर के अंदर ये गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिल्वर पट्टी की सहनशीलता होती है। ठीक है, सिल्वर पट्टी, यहाँ पे सिल्वर पट्टी बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो फिक्स रेजिस्टेंस जो होते हैं, आप लोग हमें देखे होंगे कभी भी कि जो टीवी भी खोले होंगे या तो फिर कोई भी
चीज़ जैसे कि चार्जर भी हो गया, चार्जर का किट निकालेंगे या एलईडी बल्ब का किट निकालेंगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसमें कि एक पट्टी नुमा कई सारे रंग के उसमें पट्टी चढ़े होते हैं, तो उसके लास्ट वाला जो होता है वो सिल्वर रंग का होता है, तो वो उसकी सहनशीलता को दर्शाता है कि वो कितनी सहनशीलता कर सकता है। अगर ये कोम का रेजिस्टेंस है तो वो उसका कितना परसेंटेज वो सहनशीलता कर सकता है। तो सिल्वर की जो आखिरी पट्टी होती है, जो दो दो पट्टियाँ होती हैं, एक 5% वाला होता है, एक 10% वाला होता है। सिल्वर की पट्टी, ये पूछ रहा है कि सिल्वर की पट्टी का सहनशीलता कितनी होती है, तो ये ±10%, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे देख सकते हैं, ±10% होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश किस पर होता है? ये पूछ रहा है कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ऋणात्मक आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, न्यूट्रॉन पर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है कि ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक चार्ज, निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार से मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी कर सके 2020 की इलेक्ट्रीशियन की, आईटीआई की। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।